जय श्री काल भैरव, जय हो कालों के काल महाकाल भैरवनाथ का आदेश आदेश। आज महाकाल भैरवनाथ की कृपा से कुछ बोलने का हुआ है तो कुछ ये आ रहा है कि क्योंकि जीवन बहुत क्षणिक है, हमने अपनी भ्रम की दुनिया को इतना ज्यादा सजाया हुआ है, बहुत लंबी लगती है, बहुत ज्यादा सपने समझ में आते हैं, किंतु बहुत क्षणिक बुलबुला है। कब फूटेगा कोई नहीं कह सकता, किसी भी क्षण फूट जाएगा। और जितना भी माया का रचाया हुआ संसार है सब छूट जाएगा एक क्षण में, और एक ऐसा झटका लगेगा कि पूरी आत्मा ऐसी करुणा से, ऐसी कातर पुकार से उस एक परम को पुकारेगी कि हे बाबा, बहुत बड़ी गलती हो गई, एक एक क्षण छूटता चला गया, मैं देखता चला गया और सांसारिक व्यवस्थाओं को समझने समझाने में पूरा जीवन निकाल दिया, सब खत्म हो गया, एक क्षण में सब समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया। साधकों को सबसे प्रथम एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है, उसको पता है वो साधक है, भटकता है, लेकिन जब कोई सद्गुरु उसके समीप होता है, उसके संपर्क में होता है, तो उसके पास हजारों हजारों बहाने आते हैं, हजारों बहाने। परिवार है, माता है, पिता है, बच्चे हैं, बीबी है, पति है, संसार है, अर्थ नहीं है, शरीर खराब है, अभी मौसम खराब है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हजारों बहाने। और जब वो चला जाता है तब उसी को सोच सोच के रोता है कि काश आज अगर होता तो आज मैं जरूर चला जाता। ये एक की नहीं, ये सभी साधकों के मन की व्यथा है, पीड़ा है, और ये एक के साथ नहीं, ये युगो युगो होता है। सिर्फ साधक होने से, सिर्फ साधना करने से, कोई ध्यान करने से, कोई मंत्र करने से साधक थोड़े हो जाता है। साधक अर्थ है साधना, तपाना, तपना, मन को एकाग्र करके उस परम महाकाल भैरव में समाहित कर देना, स्व को समाप्त कर देना, सिर्फ वही वही बचना। और इसकी अग्नि एक सद्गुरु देता है, बार बार चोट मारता है, बार बार कहता है कि समय कम है, समय कम है, जागो। चेताता है बार बार, चलो चलो, उठो। साधक गिरता है, सतगुरु फिर ढांढस बजाता है कि उठो। देखो वो सूर्य चमक रहा है, पुकार रहा है, उस सूर्य की गर्मी को अपने हाथ के छुअन से आभास कराता है कि देखो है, चलना पड़ेगा वहां तक।
साधक साधना के माया जाल में, देवी देवताओं के माया जाल में, गुरुओं के, किताबों के, वीडियो के, तरह तरह की चर्चा परिचर्चाओं के मध्य फंसा हुआ, उलझा हुआ, फंसा हुआ बहुत प्रयास से, क्योंकि सारी माया खींचती है उसको, बहुत प्रयास से बढ़ता है, गिरता है, संभलता है। गुरु सानिध्य बहुत आवश्यक, बहुत ज्यादा आवश्यक। गुरु सानिध्य मिल जाए तो कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। मौन में, उसकी ऊर्जा में खुद को समाहित करना चाहिए। स्वयं भ्रम दूर होगा, रहस्य प्रकट होगा, सत्य फूटेगा और प्रकाश ही प्रकाश फैलेगा। जीवन क्षणिक है, बिल्कुल भी मत गवाओ, एक भी क्षण को मत गवाओ। सब संसार यहीं धरा रह जाएगा, यहीं धरा रह जाएगा सब कुछ। और हर बार यही बहाने ये जो बार बार मैं शिविर करवाता हूँ, समूह में सबको बुलाता हूँ, अपने समीप सबको रखता हूँ 3 से 4 दिन, उसका कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि तुमको पास बुलाऊं। अपनी ऊर्जा के दबाव से तुम्हारे भीतर जो अंधकार है, जो संस्कारों का कचरा तुमने संभाल के रखा हुआ है, उनको अपनी गर्मी से, अपने दबाव से, अपनी ठोकर से उसको निकाल निकाल के फेंकूं। और फिर दूर इसलिए जाता हूं कि तुमको आभास हो कि हमेशा सद्गुरु नहीं रहेगा, हमेशा गुरु, हमेशा गाइड तुम्हारे पास नहीं रहेगा। साधना अत्यंत आवश्यक है, मेरे अपने अनुभव में सिर्फ एक काल भैरव, महाकाल भैरव, शमशान भैरव, बटुक भैरव, कुछ भी कह लो, भैरव के अलावा कुछ भी नहीं। सारे भ्रम दूर करने वाला, माया को एक ठोकर से उठा के फेंक के चेतना को शून्य में विलुप्त कर देने वाला महाकाल भैरव, काल क्या महाकाल से भी परे फेंक देगा। काल से, महाकाल से परे फेंकने का अर्थ कि ये जो चक्र है, इस चक्र से उठा के ही बाहर फेंक दिया। साक्षात काल भैरव ही है जो सभी मुक्ति का द्वार है। गुरु सानिध्य करिए, गुरु के प्रति समर्पण भाव रखिए और साधना करते रहिए, प्रेम भाव से साधना करते रहिए, पूर्ण विश्वास से साधना करते रहिए। सिर्फ काल भैरव को पकड़ के चलते रहिए। सभी 10 महाविद्याएं, 64 योगनियां, 56 कलबे, 52 वीर योगनी, भूतनी, पलितनी, सबकी सब हाथ जोड़े खड़ी होंगी।
और इन सब से उखाड़ के फेंक देने वाला महाकाल भैरव, काल से परे उठा के इस समय चक्र से मुक्ति दिलाने वाला, ऐसे आनंद में फेंक देगा। कोई भी एक अंश मात्र भी न बचेगा कि क्या रहा, क्या था, क्या होना है, क्या होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। न देखने वाला बचेगा, न बताने वाला बचेगा, ना कुछ कहने वाला बचेगा। अनंत असीम काल भैरव। जय श्री काल भैरव।